तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले भाई TVS जो है स्पोर्ट न्यू एडिशन 2022 मॉडल का है, ब्लैक कलर में, फुल्ली ब्लैक कलर में आता है उसका, जो आज हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले। और कंप्लीट रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको जो एक बात बता दूं, अगर आप TVS से कौन सी बाइक अगर खरीदना चाहोगे तो यहाँ पर जो आपको TVS का शोरूम मिल जाएगा, और शोरूम का जो पता है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उससे पहले आपको जो इसका बाहर का व्यू आपको दिखा रहा हो, ताकि अगर आप कल को अगर इस शोरूम को विजिट करते हो तो आपको आसानी हो इस शोरूम को विजिट करने की, ठीक है दोस्तों। तो आपने नजर आप बाहर का देख लिया, और यह वही शोरूम का बैनर और ये शोरूम का एंट्री पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो आज हम करने वाले भाई जो TVS है, TVS की स्पोर्ट है न्यू एडिशन ब्लैक कलर में, उसका जो कंप्लीट रिव्यू करने वाले, ठीक है दोस्तों। तो आइए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट आवर टाइम। तो दोस्तों रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, और रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस गाड़ी की खास बात बताना चाहूंगा भाई। प्लैटिनम के बाद जो माइलेज देने वाली बाइक रहने वाली है भाई अपनी स्पोर्ट, क्योंकि इसका जो माइलेज है भाई कंपनी क्लेम करती है 87 पर लीटर पर, मतलब करीब करीब 87 का माइलेज आपको देने वाली है पर लीटर बाइक। और जो प्लैटिनम के बाद जो इसका नंबर आता है, मुझे भी ऐसा पर्सनल लग रहा है भाई, और इसका ऑन रोड कॉस्ट जाता है भाई 78,000 रुपीज ऑन रोड, मतलब बहुत सस्ती यार, प्लैटिनम से भी आपको सस्ती पड़ने वाली है बाइक, ठीक है दोस्तों। आइए इसका जो कंप्यूटर वो भी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट आवर टाइम। तो गाइस हम जो रिव्यू अभी फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर जो गाड़ी पूरी ब्लैक कलर में, फुली ब्लैक कलर में न्यू एडिशन, और यार इसकी जो लुक देख लीजिए काफी फंटास्टिक लुक है। यहाँ पर जो है मुझे क्रोम फिनिशिंग में लगा था, लेकिन यहाँ पर जो स्टिकर फिनिशिंग में, यहाँ पर जो TVS के नाम की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर इसका जो पूरा हेलोजन का बल्ब है, जो कि जो पुराने वाली स्टार थी अपनी सिटी, उसी से मिलता जुलता है। और यहाँ पर जो पूरा फाइबर का पार्ट है, ठीक है, इसके हेलोजन के इंडिकेटर से नॉर्मल वाले जो काफी मतलब हार्ड है यार, थोड़े भी फ्लेक्सिबल मुझे नहीं लगे। रात में इसका आता है आगे साइड का मडगार्ड, जो कि अपनी पुराने वाली स्टार थी ना, उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसकी जो साइज ना काफी बड़ी लग रही है 100cc के हिसाब से। और यहाँ पे आता है इसका जो राउंड शेप के रिफ्लेक्टर आते हैं इसमें, और आगे की तरफ आते हैं इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है पूरे, और राउंड शेप में आप इस साइड से भी आप रिफ्लेक्टर वगैरह देख सकते हो। आगे की साइड यहाँ पे ड्रम ब्रेक का यूज करा गया है, यहाँ पे कोई भी डिस्क ब्रेक ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे टायर भी आपको डायरेक्ट कंपनी प्रोवाइड करती है TVS, ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमारे सीएटो यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। और आगे का टायर साइज भी आपको एक बार बता दूं, तो गाइस यहाँ पे आप टायर साइज भी अच्छी तरह पढ़ सकते हो, 275/17 की इसमें जो है टायर्स आते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आज हम पीछे आते हैं, तो यहाँ पर भाई सबसे पहले आप इसकी टंकी देख सकते हो भाई, पूरी मतलब लोहे में आती है, ठीक है, और पूरी ब्लैक कलर की फिनिशिंग आप देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ ड्यूरा लाइफ की ब्रांडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में इसमें जो है यहाँ पे क्रोम का यूज करा गया है, यहाँ पे TVS का जो ब्रांडिंग है यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में आती है, और यहाँ पे आप शेप वगैरह देख सकते हो भाई इन ब्लैक कलर, काफी यार मतलब काफी शाइनी लुक जो इसका यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे ETFI की टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, जो कि आप इसकी ब्रांडिंग भी यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे भाई इसका पूरा 100cc का इंजन, जो भी स्पेक्स वगैरह है अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। मैंने कुल यहाँ पे जो 5 पॉइंट्स लिए, माइलेज स्टॉक वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, पावर वगैरह, ठीक है दोस्तों, स्पेक्स पढ़ ली। फिर बाद में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो इंजन का साइलेंसर आप यहाँ पे निकलता हुआ, तो गाइस सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जो इंजन का इंजन से यहाँ से निकलता हुआ मतलब साइलेंसर है, यहाँ पे जो प्रोटेक्शन वगैरह ठीक ठाक यूज करा गया है यहाँ तक है, और बाकी यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो, मतलब 90% यहाँ पर जो आपको सेफ्टी मिलने वाली है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और यहाँ पे पूरा TVS का इंजन वगैरह देख सकते हो, पिस्टन वगैरह TVS की, यहाँ पे व्हाइट कलर की ब्रांडिंग है, किक वगैरह। और यहाँ पे आगे जो है आगे कोई भी एडजस्टेबल फुटरेस्ट वगैरह नहीं दिए गए, और यहाँ के पीछे के साइड ही एडजस्टेबल फुटरेस्ट है, लेकिन वो भी राउंड शेप में आते हैं, जो कि मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे भाई बहुत बड़े अक्षर में यहाँ पे जो है स्टिकर फिनिशिंग एवं स्पोर्ट की ब्रांडिंग दी गई है, और यहाँ पे बाकी सब कुछ प्लास्टिक पार्टी फाइबर पार्टी, ठीक है दोस्तों। और यार सच में बता दो, काफी शाइनी लग रही है बाइक, ठीक है। और इसके फिर बैक सस्पेंशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो इन ब्लैक कलर, ठीक है दोस्तों। फिर बैक सेट कर लो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका टायर, यहाँ पे डिस्क ब्रेक वगैरह नहीं है, पीछे की साइड भी ड्रम ब्रेक, मतलब आगे की साइड डिस्क ब्रेक नहीं तो आप पीछे भी क्या देंगे। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, पीछे भी यहाँ पे जो TVS का ही टायर यूज करा गया है, और यहाँ पे भाई इसकी टायर की साइज 300/17 की इसमें जो टायर्स आते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में आप यहाँ पे बैक साइड को देख सकते हो, यहाँ पे जो हाथ को पकड़ने के लिए अच्छी खासी ग्रिप पकड़ बनी रही, यहाँ पे जो हैंडल वगैरह का यूज करा गया है, बूढ़े लोग वुमेन लोग जो भी बैठेंगे उनके लिए कंफर्टेबल जो है व्यवस्था है। और यहाँ पे फिर से क्रोम फिनिशिंग में TVS की ब्रांडिंग इन ब्लैक कलर, एंड देन दिस इज द टेल लाइट इन रेड कलर, मतलब रेड कलर में ही होता है, लेकिन इसके लुक वगैरह आप देख सकते हो ठीक है, पूरा नहीं से मिलते जुलते, लेकिन थोड़े बहुत शेप में इसमें अपडेट करे गए। और यहाँ पे इसके जो हेलोजन के टर्न इंडिकेटर्स आते हैं, और यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टर है, और यहाँ पे अपने प्लेट नंबर की जगह रहने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर इसका बम्पर का हेडिंग, काफ़ी साधारण से बाइक है यार, ठीक है। और फिर बाद में हम इस साइड से आते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई सीट खोलने की जगह यहाँ पे दी गई है, और जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे अपनी सीट खोलने की जगह रहने वाली है कि एक्सेस करके आप सीट खोल सकते हो। यहाँ पे फिर से स्पोर्ट की ब्रांडिंग है इन स्टिकर फिनिशिंग, फोकस करके दिखा दो आपको एक बार, अच्छी तरह देख सकते हो।
और पूरा ब्लैक कलर है भाई। और यहाँ पे जो है नेट की मतलब लोहे का जो नेट होता है उसकी जाल का यूज़ करा गया है, जो कि काफ़ी पतली लग रही है यार। फिर बाद में आपको यहाँ के मतलब कंपनी से आप जब गाड़ी खरीद लेते हो तो यहाँ पर भी आपको पैर रखने की जगह वगैरह आप देख सकते हो। अभी जो फिलहाल इसकी जो पार्ट है खुल चुके हैं, जब आप गाड़ी खरीदोगे उसके साथ आप यहाँ पे लगा जाएंगे, यहाँ पे पैर रखने की जगह आपको पता ही होगा। और बाकी इसका जो चेन कवर है ना भाई, ये फाइबर में रहने वाला है, क्योंकि कीमत इस सबसे ठीक ठाक मुझे लग रहा है, क्योंकि बाइक 78,000 रुपीज़ कीमत है और आज के बजट आज के समय में 100cc में जो है आपको मतलब इसके सिवा मुझे नहीं पता यार कौन सी बाइक आपको मिलेगी 78,000 में 100cc वाली। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब प्लास्टिक का यूज़ करा गया है, कॉम्प्रोमाइज़ करा गया है, लेकिन हम इसकी कीमत को भी देख के समझ सकते हैं उस बात को, ठीक है। फिर यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एडजस्टेबल फुटरेस्ट आता है और आगे साइड भाई कोई भी एडजस्ट की व्यवस्था नहीं है। 4 गियर्स आते हैं टोटल इसमें और यह उसका मेन स्टैंड और कभी गाड़ी फिलहाल जो है बड़े स्टैंड पर खड़ी है और ठीक ठाक इसके मजबूती भी लग रही है। और गाड़ी कभी कभार आपको साइज़ देखिए छोटी भी लगती होंगी, आपको दूर से दिखा दो एक बार तो साइज़ काफ़ी छोटी लग रही है यार बाइक की, लेकिन यार 78,000 रुपीज़ में आती है ऑन रोड। और फिर से यहाँ पे जो है ETF का टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो इको ट्रस्ट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो 100cc का इंजन है उसकी लुक, बाद में आप फिर से यहाँ पे टंकी पे भी यहाँ पे TVS इंक्रोम फिनिशिंग देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे भाई इसका मतलब फ्यूल भरने की जगह, ठीक है। और आके आप टाइम करके शेप वगैरह देख ही सकते हो अच्छी तरह, ठीक है दोस्तों। अब इसको देख लेता हूँ, इसका जो मतलब एक्सटीरियर का जो भी था मैंने लुक वगैरह आपको सभी साइड से सभी एंगल से अच्छी तरह दिखा दिया है। भाई इसके जो मेन पॉइंट पे बढ़ते हैं, अभी जो है इसका सीट हाइट वगैरह टेस्ट करेंगे और इंस्ट्रूमेंट में क्या कुछ कंपनी फीचर प्रोवाइड करते हैं वो भी देखेंगे और हैंडल बार पे जो भी बटन वगैरह आते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो थे ऑन द बाइक इसका जो सीट हाइट टेस्ट करेंगे। दोस्तों मैंने जो कैमरा भी सेट कर दिया है तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी पे बैठने के लिए। और आप अगर मुझे मेरी हाइट आपको पहले बता दूँ, मेरी हाइट है भाई 6 फीट प्रॉपरली और मैं अभी बाइक पे आपको बैठ के दिखाने वाला हूँ भाई, मैं आपके कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ या नहीं आप देख ही लेना अपने आंखों से, ठीक है दोस्तों। सो गाइज मैंने हाइट का आपको जो अच्छी तरह दिखा दिया है, तो आइए इसको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी अभी नजर डालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो भाई इधर जो है आपको 140 की ये टॉप एंड ये देख सकते हो, जो कि आपको इंजन जो है आपको इसका 80 to 90 तक आपको ले जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पे आप कितनी किलोमीटर गाड़ी चली हुई वगैरह यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे ट्रिप का कोई भी ऑप्शन वगैरह सेट करने की यहाँ पे व्यवस्था जो नहीं दी गई है। फिर बाद में यहाँ पे जो आपको फ्यूल जो लेवल रहने वाली यहाँ पर मेंशन कर रहा है, यहाँ पे पावर मतलब गाड़ी जो हायर पे पर खींचने वाले हो तो यहाँ पर जो है पावर का लाइट जो है चमकने वाला है, यहाँ पर इंजन का है। और यहाँ पे अगर आप गाड़ी हाई बीम लो बीम करते हो तो यहाँ पे उसका भी नीला, यहाँ पे इंडिकेटर का रहने वाला है। अभी सैंड स्टैंड अगर आप करते हो तो वो भी यहाँ पे रहने वाला दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पे आप चमक वगैरह देख सकते हो इसकी गाड़ी यहाँ पे अभी फिलहाल न्यूटन पे खड़ी उसका भी आप देख सकते हो। और ये इंडिकेटर मैंने चालू किया, इंडिकेटर भी यहाँ पे चमक रहा है, इंजन वगैरह सब कुछ चालू होगा, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, इतना ही है बस, ठीक है। और यहाँ पे अपने की प्लेसमेंट की जगह है, फिर आप देखते हैं इसके हैंडल बार पर क्या कुछ आता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाऊंगी, यहाँ पे पासिंग का बटन, यहाँ है अपर डिपर का बटन मतलब जो आपने हेडलाइट रहने वाला है, ये इंडिकेटर का, इसका हॉर्न भी आप एक बार सुन लीजिए, हॉर्न भी साधारण है, कुछ खास पावर तो इसमें है नहीं लेकिन फिर भी ठीक है वो, ठीक है दोस्तों। और यह उसके इंजन का बटन, तो आपको मैंने इसका फायरिंग वगैरह कुछ में कुछ खास तो नहीं है भाई, पहले से चलता आ रहा है वही, इसलिए इसका पेट्रोल वेस्ट करना मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा भाई। तो इसमें कुछ खास साउंड वगैरह तो नहीं आता है, बाकी ऑल इज इसका जो है पूरा साधारण सा लुक है, ठीक है दोस्तों। आप टंकी वगैरह देख सकते हो, शेप वगैरह, ठीक है। तो गाइज जो पूरा जो रिव्यू मैंने कंप्लीट कर दिया है इस अपने जो TVS की स्पोर्ट है 2022 मॉडल का एडिशन है ब्लैक कलर का, इसका जो कंप्लीट रिव्यू मैंने कर दिया है। दोस्तों आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और प्लीज़ यार दोस्तों अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा यार इंफॉर्मेटिव लगता है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बस इतनी सी इच्छा है मेरी, ठीक है दोस्तों। तो बाकी कुछ नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखेगा दोस्तों, बाय बाय।